60 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट नहीं बोल सकते इसलिए बिजली की बात नहीं करते, लैपटॉप चला नहीं सकते इसलिए लैपटॉप देना नहीं चाहते, 4.5 साल टैबलेट देते रहे अभी भी टैबलेट दे रहे, टैबलेट असली नहीं मिली अभी तक। गठबंधन लगातार हो रहा है और सब रंगों को साथ ले लिया है, एक अच्छा गुलदस्ता बन गया है, यही हमारे देश और समाज की पहचान है जहाँ सब जाति धर्म के एक साथ लोग हैं। हाल ही में आपने सुना होगा आरएलडी को साथ लिया है, हमारे जो दूसरा अपना दल है उनको साथ लिया है और इसी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी इस तरह दूसरी और भी जो छोटे दल हैं उनको साथ लाने का काम समाजवादी ने किया है। आज संविधान दिवस है, मैं शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं संविधान दिवस की आप सबको और साथ ही साथ बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया जिसके तहत हमें और आपको अधिकार हैं, आज अधिकारों को छीनने का काम हो रहा है। लोकतंत्र खत्म उसी दिन हो जाएगा जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान और लोकतंत्र बचाने का आज का दिन महत्वपूर्ण है जहाँ संविधान दिवस हम मना रहे हैं। वहीं हमें ये भी याद करते हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद करते हुए इस लोकतंत्र को भी बचाना है। बयान जी का बयान है कि सपा नहीं है, कृषि कानून वापस हुआ सब क्या असर पड़ेगा उसका? कृषि कानून जो वापस हुए इससे साबित हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का गलत फैसला था, ये कमजोरी दिखाई दी है कि उन्होंने एक फैसला ऐसा लिया जिसकी वजह से नुकसान हुआ है। और आप खुद सोचिए सरसों का तेल जो हम खाते हैं, गरीब खाता है, कई बार गरीब बहुत कम 100 ml लेने चला जाता है, 200 ml लेता जा करके, आज सरसों के तेल की कीमत क्या होगी? और सरकार जिस तेल को गरीब को खिलाना चाहती है वो किस क्वालिटी का तेल होगा जो खिलाएंगे? वो पता नहीं कहाँ से मंगाया जा रहा है, न जाने कितनी मिलावट का सरसों का तेल होगा। अब वो कह रहे सोयाबीन का तेल है, हमारे गरीब को सरसों के तेल का खाना अच्छा लगता है, ये जाने कौन सा तेल खिला रहे हैं बीजेपी वाले? ये सवाल बीजेपी वालों से पूछिए। देखिए वो एक पॉलिटिकल पार्टी है और वो अगर नहीं लोगों को समझ पा रही है तो उनका एक काम करने का तरीका है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। सर सीए खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।